Okay, so first we needed to understand what was a dipole. So dipole is a system where we have equal and opposite charges. Like here we had a charge of plus 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb. So ये इधर minus q और इधर q, ठीक है, इधर गया theta और ये electric field का angle, इधर लिख देते electric field, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10^-2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो मेरा डाइपोल का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2L, मतलब ये दोनों चार्जेस और इसके बीच का डिस्टेंस को हम ऐसे लेते हैं L और L, हाफ हाफ में डिवाइड करके रहते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस 2L होता है। मेरे को इधर क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हम सीधा D लिखे हैं, ठीक है, मतलब वो टोटल डिस्टेंस ही होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो 1 × 10^6 जो मेरा एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो हम बिना साइन का लिखेंगे क्योंकि वो स्केलर वैल्यू लिख रहे हैं, तो 1 × 10^6 कूलम SI यूनिट में, और ये भी हम मेरे को 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो उसको SI यूनिट में लिखें, ठीक है। तो ये आया 2 × 10^8। अब टॉर्क क्या होता है, वो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी में कैसे लिखते हैं, पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा कौन सा एंगल है, जो ये दोनों के बीच का एंगल है, जो कि होता है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 2 × 10^-8 × 10^-2 इंटू साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो मैं आ गया 10^-10, ठीक है। अब मेरे को फिर से हम मेरे को नेक्स्ट पार्ट है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये पी ई साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, थीटा इज इक्वल टू 90। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मेरे को एंगल मिल गया। पूछा था हाउ मच, तो यहाँ पर साइन 30 की जगह 1 रख दिए, तो यहाँ पर जब 1 रख दिए तो 2 × 10^8 × 10^-2 2 × 10^-10 सीधा सीधा आएगा, ये 1/2 की जगह 1 लिखे हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, थैंक यू।